असल के अल्लाह के रसूल सल्लम ने जो मैसेज दिया वो लोगों तक हमको पहुँचाना है। कि आपने जो मैसेज दिया, सबसे पहला मैसेज तो आपका यही था कि अपने रब को पहचानो ये लोगों, कि वो तुम्हारा रब है, जिसने तुमको पैदा किया वही तुमको पालता है। उसके कई दलाइल कुरान के अंदर मौजूद हैं। और क्योंकि तुम ये अल्लाह के रसूल सल्लम ने बताया कि वो तुम्हारा रब है, वो तुम जिसकी इबादत करते हो, चाहे वो मिट्टी के हो, पत्थर के हो, लकड़ी के हो या जदीद दौर के हो, ये सारे के सारे, चाहे वो जिंदा हो या चाहे मुर्दा हो, ये सारे के सारे जो है सब पैदा किए गए हैं। तो असल जो मैसेज आपका था वो तौहीद का पैगाम था। और असल सुन्नत, पहली सुन्नत यही है। हम सुन्नत को बड़ा फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं कि बैठ कर पानी पीना, ऐसे पीना, ऐसे खाना खाना, वो भी ज़रूरी है, लेकिन असल सबसे पहला जो सुन्नत थी अल्लाह के रसूल सल्लम की, वो थी लोगों तक बात को पहुँचाना। सबसे पहली दावत वही थी, उसी के लिए आप आए थे। तो उसको छोड़कर हम तमाम चीज़ें करें, पहली ही जो शुरुआत थी जिससे दरवाज़ा खुलता है सारी चीज़ों का, उसको हम अगर पैक करके रख दें, तौहीद के बारे में किसी को ना बताएं और फिर पर्सनल अपना अमल करते रहें, तो ये भी फिर गलत है। सबसे पहली सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लम की वही थी। तो जो आपने पैगाम दूसरों तक पहुँचाया, वो पैगाम हम तक पहुँचा, उनके मानने वालों तक। अब बारी किसकी है? अब बारी हमारी कि हम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। जो आपने पैगाम बताया आखिरत के बारे में, आपने पैगाम बताया आखिरत से डराया कि देखो यही ज़िंदगी नहीं है सिर्फ, यहीं का तुमको मरकब नहीं जाना है, इसके बाद भी तुमको हिसाब किताब देना है। और आखिरत के ताल्लुक से भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 28 में कि कैफा तकफुरुना बिल्लाही, कि तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो, तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो, खुद को देखो, तुम पहले मुर्दा थे, फिर हमने तुमको ज़िंदगी दी, फिर हम तुमको मौत देंगे और फिर तुमको हम उठाएंगे और तुमको एक दिन हिसाब किताब देना। तो ये पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाज़े करके पहुँचाया कि वो क्या चीज़ है, वो वहाँ क्या क्या होने वाला है।